नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय MTS के लिए नोटिफिकेशन आ रखा है और फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि MTS की जो नौकरी है वो बहुत छोटी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, लेवल वन से तो स्टार्ट ही होती है, मगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो फिर जो है आप एक गजेटेड अफसर भी बन सकते हैं। मैं आपको उनके एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलती हैं उनके बारे में मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन और भी मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए MTS आप भर्ती होते हैं तो आपको पता होगा कि SSC भी एक एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। तो SSC एक एग्ज़ाम कराता है जिसके अंदर जो है आप MTS से LDC बन सकते हैं, ठीक है, मगर हर डिपार्टमेंट पे ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो मिनिस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्री हैं उनके अंदर जो MTS होते हैं, ये उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ कुछ डिपार्टमेंट तो इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं दोस्तों प्रमोशन के मामले में, मैं डिपार्टमेंट को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन के मामले में, कि हो सकता है कि MTS एज ए MTS ही रिटायर हो जाए। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप प्रीफ्रेंस देते समय गलत ना कर दें, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई प्रीफ्रेंस है नहीं, और पिछली बार भी जो है स्टेट की प्रीफ्रेंस मांगी गई थी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिनिस्ट्री मिले तो ऐसे में आपको दिल्ली की ही देना पड़ेगा, जो न्यू दिल्ली है, दिल्ली में ही आप, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री जो हैं सेंट्रल की वो दिल्ली में ही व्यवस्थित हैं, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम की। दोस्तों, SSC एग्ज़ाम कराता है, वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, जो MTS टू LDC होता है, जिसके अंदर आप 3 साल बाद दे सकते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे कि अगर मान लीजिए आप 20-21 साल की उम्र में भर्ती हो जाते हैं तो किस उम्र तक आप बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 साल में आप दे सकते हैं, उसके बाद जो है आप LDC बन जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, LDC भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकता है जब उसके 4 या 5 साल हो जाते हैं, 4-5 साल कंप्लीट होने के बाद, या तो सीनियरिटी से ही प्रमोशन हो जाएगा, अदरवाइज़ जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है, वो भी आप दे सकते हैं। जब आपका UDC बन गए तो UDC से असिस्टेंट, जिसे बोला जाता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं है, वो आपका सीनियरिटी बेस पे होगा। तो जब आपका आप बन जाएंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद UPSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है दोस्तों, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, अगर आपकी लेंथ ऑफ सर्विस 5 साल की हो चुकी है तो आप दे सकते हैं UPSC का एग्ज़ाम, जो होता है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर टू सेक्शन ऑफिसर। तो दोस्तों, जो सेक्शन ऑफिसर होता है SO, वो होता है 4800 ग्रेड पे में, और होता है एक राजपत्रित अधिकारी, और सेक्शन का इंचार्ज होता है, जो भी सेक्शन होते हैं मिनिस्ट्रीज़ के अंदर उनका सेक्शन इंचार्ज होता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपने सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो आप जो है 15 से 18 साल में आप एक गजेटेड अफसर बन सकते हैं, ठीक है। 20 साल मान लीजिए मैक्सिमम, तो यानी कि अगर 20 साल का कोई लड़का या लड़की आप भर्ती हुए तो 40 साल की उम्र तक जो है आप एक गजेटेड अफसर बन जाएंगे, और भाग्य ने आपका साथ दिया, क्योंकि भाग्य की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सीनियरिटी यहाँ पर देखी जाती है, फिर आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और सीनियरिटी में आपकी रैंक अच्छी बनती है तो जो है आप आगे का भी प्रमोशन पा सकते हैं, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर के बाद बनते हैं अंडर सेक्रेटरी, मगर वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो क्लास 1 अफसर होता है, मगर हाँ आप SO तक पहुंच सकते हैं। ये दोस्तों बात करी मैंने मिनिस्ट्रीज़ की, दिल्ली के अंदर जो है केंद्रीय सचिवालय वगैरह इसके अंदर आप देखेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो वर्किंग MTS हैं उनका इंटरव्यू आपको जो है कल तक मिल जाएगा, उनसे मेरी बात हो चुकी है, तो उनका भी आप एक्सपीरियंस जानेंगे कि MTS के किस तरीके के वर्क प्रोफाइल होता है, किस तरीके जॉब करनी होती है, और आगे स्टडी करने के लिए कितना टाइम मिल पाता है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो आप मुझे कारण बता दीजिए, आगे की वीडियो में उन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।